सो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा डी पोर्शन जो था इंग्लिश का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, दैट इज़ अब हमारा बचता है सी पोर्शन। एंड सी पोर्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैराग्राफ। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी पीपल हैव टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ, देन व्हाट पॉइंट शुड बी रिमेंबर वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ, हाउ शुड वी स्टार्ट द पैराग्राफ, देन व्हाट पॉइंट शुड बी एड to make it more specific and how we have to conclude a paragraph. Now, what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences with one topic. That means in the whole paragraph, whatever sentences we are writing that is related to only one topic. Then a paragraph consists of more than one sentences. In a paragraph, there are more than one sentences. There may be 10, 12, 15 sentences in a particular paragraph. Then form, content and structure are very important in paragraph. Then form, content and structure, तीन चीज़ें हमें यहाँ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? Form, content and structure. Then process to write a paragraph. अगर हम लोगों को paragraph लिखना है तो उसके लिए हमें किस तरीके को follow करना है. Then बेसिक पैराग्राफ, जिसकी चीज़ जो जिसको लेके हम एलोबरेट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, देन उसका पहला चीज़ जो याद रखने वाली दैट इज़ कैपिटल लेटर, देन वी हैव टू रिमेंबर द पीरियड्स, देन इंसिडेंट, देन वी हैव टू एंश्योर आवर सेल्स दैट वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ वी हैव टू यूज़ अ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर्स आर ऑलवेज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. वेन एवर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस वी हैव टू स्टार्ट इट विद अ कैपिटल लेटर. देन पीरियड, यूज अ पीरियड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस. दैट मीन्स वी हैव टू यूज पीरियड्स. देन पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, अ पैराग्राफ हैज़ थ्री पार्ट्स. नाउ अ पैराग्राफ इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पोर्शंस. अ पैराग्राफ इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पोर्शंस. नंबर वन इज टॉपिक पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ. नंबर वन इज टॉपिक सेंटेंस. नंबर टू इज सपोर्टिंग सेंटेंस. एंड नंबर थ्री इज कंक्लूजन. दैट मीन्स हमने पार्ट ऑफ पैराग्राफ की अगर हम स्टडी करें पार्ट्स की, तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है. नंबर वन पहला हिस्सा टॉपिक पैराग्राफ का, टॉपिक सेंटेंस. नंबर टू उस टॉपिक सेंटेंस के साथ में जो हम रिलेट करेंगे, सपोर्टिंग सपोर्ट देंगे बाकी सेंटेंसेस की, जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज द बॉडी, दैट इज सपोर्टिंग सेंटेंस. एंड फाइनली वी हैव टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर पैरा. ओके, देन इफ वी स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, देन नंबर वन इज टॉपिक सेंटेंस विच इज एट द टॉप ऑफ द पैराग्राफ. That is topic sentence at the top of the paragraph. Then second one, supporting details. Supporting details. Then we should add a good vocabulary. We should, हमने देखना है कि spells गलत नहीं होने चाहिए. हमने देखना है कि full stop, comma, sign of interrogation, exclamation, colon, semicolon, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है. Then हमने उस particular paragraph को finally conclude करना है, और वो भी कहाँ, bottom पे, ठीक है? Then एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होगा, देन नंबर वन इज ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक. दैट इज एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड हमने बाकी सेंटेंसेस को घुमाना है. देन अरेंज योर पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेंटेंसेस को अरेंज करना है. देन राइट द टॉपिक सेंटेंस, हमने हेडिंग पोर्शन जो टॉपिक का है पैराग्राफ का, वो टॉपिक सेंटेंस लिखना है. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सपोर्टिंग आइडियाज या डिटेल्स या एविडेंसेस एड करने हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. देन यूज़ क्लियर सिंपल सेंटेंसेस विथ ट्रांजिशन वर्ड्स. हमने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं, सेंटेंसेस को जितना सिंपल हम लोग रख सकते हैं, और जितनी जल्दी हम सेंटेंस को कंक्लूड करेंगे, वी हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम फुल स्टॉप जल्दी यूज़ करें, वी सेंटेंस को छोटा रखें. देन टाई इट ऑल टुगेदर विद अ कंक्लूजन सेंटेंस, और एंड फाइनली हमें अपना एक कंक्लूसिव सेंटेंस उस पैराग्राफ के एंड पे ऐड करना है. एडिट योर पैराग्राफ फॉर ग्रामर स्टाइल एंड कोहेरेंस, और फिर दोबारा उसको एक बार एडिट करना है, ग्रामर पोर्शन देखना है कि हमने कोई ग्रामेटिकली कोई गलती तो नहीं की है, उसका फॉर्मेट, उसका स्टाइल, उसका बॉडी, उसका टॉपिक, उसका कंक्लूजन देखना है, और फिर कोहेरेंस रिलेटेड आइडियाज एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं. और अगर हम पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ
है क्या, ये एक ग्रुप है सेंटेंसेस का जिसके अंदर एक क्लियर आइडिया है, जिसके अंदर एक क्लियर आइडिया के साथ उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बाकी के सेंटेंसेस हैं, एंड देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन, अ मिनिएचर एसे, एक पैराग्राफ को हम कह सकते हैं छोटा एसे, स्मॉल एसे। देन अ पैराग्राफ इज ऑफन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेज इन विच वन सिंगल मेन आइडिया इज डिवेलप्ड। इन अ टिपिकल पैराग्राफ द फर्स्ट सेंटेंस डिक्लेयर्स द मेन टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज डिवेलप और सपोर्ट द मेन आइडिया। अ पैराग्राफ इज मोस्ट ऑफन अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स। यही चीज़ें हमने अभी तक स्टडी की कि एक पैराग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस है जिसके अंदर एक मेन आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है और एक जो पहला सेंटेंस है दैट इज़ जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर वो सेंटेंस होता है और बाकी के सेंटेंसेस उस पर्टिकुलर पहले वाले सेंटेंस को सपोर्ट में होते हैं और फाइनली हम उसको एक कंक्लूसिव सेंटेंस डाल देते हैं एंड देन हमारा वैसे क्या बोलते हैं पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। और अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो लॉन्गर कंपोजिशन में इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट यूज होते हैं। देन एक अच्छे पैराग्राफ में क्या होने की ज़रूरत है, अ गुड पैराग्राफ हैज़ यूनिटी, सपोर्ट, कोहेरेंस, गुड लैंग्वेज एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यूनिटी मींस रिलेटेड टू वन टॉपिक, जितने भी सेंटेंसेज हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं और वो सेंटेंसेज सपोर्टिव सेंटेंस है, देन उनका रिलेशन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैच करना चाहिए। और लैंग्वेज हमने सिंपल रखनी है, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसमें पैराग्राफ के अंदर यूज़ करने हैं। देन अगर हम बात करें इसकी यूनिटी की, तो यूनिटी वन मेन आइडिया दैट इज़ टॉपिक सेंटेंस, अदर सेंटेंसेस आल्सो। देन कोहेरेंस की अगर हम बात करें तो कोहेरेंस के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल, स्पेशियल, क्रोनोलॉजिकल, इम्पोर्टेंस, लॉजिकल, अ क्लियर सेंसिबल कनेक्शन और इसके अंदर लिंकर्स और कनेक्टर्स का अरेंज होना ज़रूरी है। देन रीअरेंज, इट कंटेंस ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टूल्स दैट यू मस्ट प्रोसेस पोजेस इज अ डिक्शनरी। अच्छे वर्ड्स यूज करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करना है। इट ऑल्सो गिव्स यू द प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, यू डू पोजेस वन परहैप्स बट आई डाउट वेदर यू आर अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट कंटेंस। द डिक्शनरी कैन बी रेफर्ड टू फॉर दोज सॉरी टू फॉर द वेरियस ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। Every college dictionary should provide at least 3-4 kinds of information about words, namely pronunciation, meaning, grammatical pattern and usage. And finally, a good dictionary contains illustrative sentences or phrases showing how words are actually used. Then, अगर हम बात करें, one of the most important reference tools that you must possess is a dictionary, जो अभी हमने बोला, और इट ऑल्सो गुड प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड्स। देन फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें इस चार्ट को, तो इसके अंदर हमने डिक्शनरी का यूज़ करना है, एक ऐसी डिक्शनरी जो एक वर्ड के 3-4 मीनिंग शो करे और उसको हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में पुटअप करना है। देन रेफरेंस को हमने एक इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ना है, इन्फॉर्मेशन को उसके दूसरे पॉइंट के साथ, कंटेंट का मतलब गिव्स एक पॉइंट के साथ दूसरा जोड़ा हमने। देन रेफर को हमने फाइनली बोला, रेफर किया तो उसको हमने कंक्लूड किया और उसके एक या एक से ज़्यादा 2-3-4 मीनिंग भी हो सकते हैं। ये ग्राफ के थ्रू ने बताया है, एरोज के थ्रू, कि हमने किस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है। देन लिंकर्स, काज एंड इफेक्ट, इंपॉर्टेंस और सिमिलरिटी। एज अ रिजल्ट को हम एट फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ऑल्सो भी बोल सकते हैं, बिकॉज को लास्ट भी बोल सकते हैं, अनदर नेहेंस लीज and since most important in addition to so next like, these are linkers, different place time, although above after but around before however behind then, ठीक है time के हिसाब से, however behind then instead here when and though nearby finally etc, these are linkers. और most more linkers जो हम use करते हैं, above all को हम बोलते हैं further या of course, additionally fortunately on the contrary although in contrast on the other hand apart from in other words surely besides in this case similarly especially in the same way such even in spite of thus for example indeed whereas
For instance, more importantly, furthermore, moreover, then supporting ideas, evidences, example or detail, जो हमने detail में पढ़ा. Good language के अंदर grammatical accuracy होनी ज़रूरी है, punctuation होनी चाहिए, जो मैंने बोला full stop, comma, colon, semicolon का use, और उसके अंदर variety of structures होने चाहिए. और अगर हम different types of paragraphs की बात करें तो उसमें descriptive paragraphs भी हो सकते हैं जो कुछ explain करते हैं, describe करते हैं. Then narrative paragraphs की अगर हम बात करें जो कुछ चीज़ें express करते हैं. Then expository सेंटेंस पैराग्राफ्स वो हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. एंड परसुएसिव जिसका कोई एक इन्फ्लुएंस होता है. दीज टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. देन प्रोसेस ऑफ राइटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी हैव टू गैदर अ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. देन वी हैव टू ऑर्गेनाइज द मीनिंगफुल सेंटेंसेज. देन वी हैव टू ड्राफ्ट अ रफ पैराग्राफ. देन वी हैव टू चेक, रिवाइज एंड रीडिफाइन. एंड देन फाइनली वी पब्लिश इट. सो इसको अगर हम एक प्रोसेस से देखें, GODEP. सो अगर हम ये याद रखेंगे ये, तो हमारी ये पैराग्राफ के जो प्रोसीजर है वो इजी हो जाएगा रिमेंबर करने. देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट 15 सेंटेंसेस, दैट इज 250 टू 300 वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स बिलो. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा ये? इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, मोर देन 100 कंट्रीज, नियरली 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंटरनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी लैंग्वेज, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एंड वेब लैंग्वेज. दीज आर द पॉइंट्स जो हमें हिंट दिए गए. हमने इन हिंट्स को एलोबरेट करना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में. टॉपिक एक पहला सेंटेंस टॉपिक के रिलेटेड, देन हमने बाकी के सेंटेंसेस उस पहले सेंटेंस के साथ मैच करने हैं बॉडी पोर्शन. एंड देन फाइनली वी हैव टू कंक्लूड इट अबाउट 250 to 300 वर्ड्स. दिस इज अ home task for you. Then you people have to write a paragraph about 250 to 300 words on the topic my mother. वही आपने प्रोसीजर याद रखना है. पहले हेडिंग देनी है, एक सीक्वेंस, एक टॉप वाला सेंटेंस हेडिंग. देन उसके बाद बाकी के सेंटेंसेस उस पहले वाले सेंटेंस के साथ मैच करने चाहिए, रिलिवेंट होने चाहिए. देन कोहेरेंस. एंड फाइनली वी हैव टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैराग्राफ. थैंक यू.